सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पिक्सार्ट के अंदर कोई भी स्टाइलिश फॉन्ट को कैसे ऐड किया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। गाइज, तो मैंने 2 मंथ पहले ये वाला वीडियो अपलोड किया था लेटर पोर्ट्रेट का, तो मैंने इसमें फेकोंट फॉन्ट का यूज किया है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया था ये फॉन्ट का डाउनलोड लिंक, तो इस लिंक को क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते थे और डाउनलोड भी किया। और कुछ है कि भाई, डाउनलोड तो कर लिया लेकिन जो है पिक्सार्ट के अंदर जो है स्टाइलिश फॉन्ट जो है ये फेकॉन्ट फॉन्ट शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि जो मैंने जो ये दिया है फॉन्ट, तो वो जो है जिप फाइल में है। उस जिप फाइल को आप डायरेक्ट पिक्सार्ट के अंदर पेस्ट कर रहे होगे तो वो जो है शो नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आपको इस जिप फाइल को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फाइल में। तो नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन आता है ZRCUR। वैसे आजकल के मोबाइल में जो है डायरेक्ट आ जाता है, मेरे में भी आ जाता है एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन, लेकिन जो है नहीं होता है, पता नहीं क्यों। तो ये वाला एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से कोई भी जिप फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे इमेज वाला हो या तो वीडियो वाला हो या मूवी वाला हो, कोई भी जिप फाइल हो उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना। जाने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स में आप सर्च कर लेना ZRCUR। तो सर्च करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल करने को आ जाएगा, तो इंस्टॉल कर लेना। मैं जो इंस्टॉल कर लिया हूँ तो ये नहीं करूँगा दोबारा। तो गाइज, अब देख लेते हैं कि कोई भी फॉन्ट को आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। तो चलिए गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स आएगा। इस सर्च बॉक्स में आप कोई भी फॉन्ट का नाम लिख सकते हैं या तो फिर वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, जैसे डी फॉन्ट, 1001 फॉन्ट्स, बहुत सारे वेबसाइट हैं जो आपको पिक्सार्ट मिल जाएंगे। पिक्सार्ट के फॉन्ट्स सिंपली आप ऐसे फॉन्ट जो वीडियो में बताया था मैंने, फेकॉन्ट फॉन्ट, मैंने डायरेक्ट फेकॉन्ट फॉन्ट सर्च करके डाउनलोड किया था। तो नॉर्मली ऐसे सर्च कर लेना कोई भी फॉन्ट का नाम हो, अगर आप जानते हो नाम तो ऐसे सर्च कर सकते हो। सबसे ऊपर वाले वेबसाइट को हम क्लिक कर लेते हैं, 1001fonts.com है ये। इसे क्लिक कर लेने के बाद ये डाउनलोड नाउ का आ जाएगा। ये सबसे पहले तो ये पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ये बटन है बड़ा बड़ा, तो उसे क्लिक करके आप नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो। तो हम इसे डाउनलोड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ पिक्सार्ट फॉन्ट, तो ये दूसरा फॉन्ट को मैं डाउनलोड करूँगा। तो पिक्सार्ट फॉन्ट सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे आपको। तो नीचे में जाके देखना तो बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। यहाँ पर पिक्सार्ट स्टाइलिश फॉन्ट लिख देते हैं ताकि जो है स्टाइलिश टाइप का आ जाए। तो लिख लो स्टाइलिश फॉन्ट। स्टाइलिश फॉन्ट लिखने के बाद सर्च कर देना। सर्च करने के बाद बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे इसमें। तो हम नीचे जाके देखते हैं, तो ये वाले वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। फॉन्ट स्पेस वेबसाइट है, तो इसे ही ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद गाइज ये कुछ इस टाइप का आ जाता है। तो इसमें जो है पहली बार मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे फॉन्ट देख सकते हैं आप। ये स्टाइलिश स्टाइलिश टाइप का आ रहा है, ये बहुत सारे स्टाइलिश फॉन्ट मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर नॉर्मली आप साइड में देख रहे हैं ये डाउनलोड का आइकॉन बना है, हर फॉन्ट के डाउनलोड का आइकन बना है, तो उसे क्लिक कर लेना। मैं जो है लेमन फॉन्ट का डाउनलोड करूँगा, इसलिए इस डाउनलोड आइकॉन को जो है क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। होने के बाद नॉर्मली इसे ओपन कर सकते हो आप, इसे क्लिक करके नीचे में आ रहा होगा तो ओपन करोगे तो ये जो है शेयर वाला आ जाता है। शेयर करके जो है आप डायरेक्ट ZRCUR एप्लीकेशन में शेयर कर सकते हो ऐसे। तो अगर आपका ऐसे नीचे में शो नहीं हो रहा है, तो नीचे में शो नहीं रहा उसके लिए मैं बता देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। ऊपर में जाना, ये 3 डॉट है ब्राउज़र के, 3 डॉट, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये जो डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना, जो है इस ब्राउजर में जो भी डाउनलोड किया हुआ है वो आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डाउनलोड किया है, सबसे ऊपर में लेमन जेली का फॉन्ट है। इसे 3 डॉट को क्लिक करके शेयर को क्लिक कर देना, तो ये जो है आ जाएगा। इसमें बहुत सारा शेयर करने का ऑप्शन, उसमें से आप ZRCUR को सिलेक्ट कर लेना। अब अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मली डाउनलोड करने के बाद जो है ZRCUR एप्लीकेशन ओपन कर लेना। तो सिंपली ऐसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल में जो भी फोल्डर है वो आ जाएगा। तो जिस फोल्डर में आप डाउनलोड किए हैं उसे ओपन कर लेना। मैं डाउनलोड किया था तो डाउनलोड के फोल्डर में ही होगा, तो मैं डाउनलोड के फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ सिंपली।
तो सबसे पहले तो क्लिक कर लेता हूँ और जो है ओपन कर लेता हूँ इस टाइप से। तो अब यहाँ पर मेरा बहुत सारा इमेज वगैरह है, तो उसे सॉल्यूशन है उसका भी ऊपर में सर्च का आइकॉन है, उसे क्लिक कर देना और जो है लेमन जेली आपका जो भी फॉन्ट ऐड कर रहे हैं, आपका जो भी फॉन्ट है उसका नाम सर्च कर लेना तो आ जाएगा। तो मैं सिंपली आ गया, ये इसे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद गाइज ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक कर देना सिंपली। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा वो डाउनलोड का फोल्डर है ये देख रहे होंगे फोल्डर, तो उसे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा ये माई डिवाइस आएगा या तो फिर डिवाइस मेमोरी आ जाएगा, इसमें चले जाना। इसमें जो है मेन फाइल में आ जाएंगे हम, बहुत सारे फाइल आ जाएगा मेन फाइल, तो यहाँ पर आपको पिक्सार्ट के फाइल में जाना है, तो सर्च कर सकते हो और जो है आ जाएगा। तो ठीक है, मेरा ऐसे ही आ जाता है यहाँ पर, ये देख सकते हो आ गया है, मैं देख लिया। तो नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कर लेना, मेरे को सर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो गाइज यहाँ पर ओपन करने के बाद सबसे नीचे में देख रहे होगे फॉन्ट्स, तो इस फॉन्ट्स को क्लिक कर लेना। यहाँ पर कोई भी फॉन्ट शो नहीं हो रहा क्योंकि है ही नहीं, मैं डिलीट कर दिया था आपको दिखाने के लिए शुरू से स्टार्टिंग से, तो मैंने डिलीट कर दिया था। तो सिंपली यहाँ पर एक उल्टा एरो का आइकॉन बना होगा, ये देख सकते हैं आप, इस उल्टा एरो के आइकॉन को जो है क्लिक कर देना, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए पेस्ट हो गया। अब जो है पिक्सार्ट के अंदर जाके देखना तो जो है शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पिक्सार्ट पहले से ओपन था तो उसे एक बार क्लियर कर लेना, फिर जो है दोबारा ओपन कर लेना, तब जो है ये शो होगा। तो सिंपली ऐसे ओपन कर लेना। नीचे में जाते हैं हम, एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं कलर वाला, तो ये ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब इसे ओपन होने दे देते हैं ताकि जो है थोड़ा सा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद गाइज बहुत देर वेट किया। अब गाइज यहाँ पर नीचे में ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करके जो है कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पर मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ और ऊपर राइट के आइकन को जो है क्लिक कर दूंगा, तो राइट के आइकन को क्लिक कर देना आप भी। अब गाइज ये सिंपली दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब नीचे में जाना, यहाँ पर एरो का आइकन दिख रहा होगा, इस एरो के आइकन को जो है क्लिक कर देना है आपको भी। क्लिक करने के बाद ये वाला ऐसे खुल जाएगा, तो यहाँ पर मैनुअली डिफ़ॉल्ट में जो पिक्सार्ट देता है वो वाला फ़ॉन्ट आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर साइड में देखना एक बार और माई फ़ॉन्ट लिखा होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया लिमोन का ये फ़ॉन्ट, तो गाइज ऐसे देख सकते हैं आप, ये स्टाइलिश में दिख रहा है ये थोड़ा। तो गाइज अब आपका नॉर्मल फाइल में है, जिप फाइल में नहीं है, उसे कैसे ऐड करना है तो उसे भी दिखा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक डाउनलोड किया था फेकॉन फॉन्ट को ही, नॉर्मल फाइल में डाउनलोड किया था। कोई कोई सो वेबसाइट होता है जो नॉर्मल फाइल में प्रोवाइड करता है, जिप फाइल में नहीं होता है, तो उससे का भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फेकॉन फॉन्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा जिप फाइल में भी है। यहाँ पर नीचे में लिखा है दोस्तों, अगर आपका जिप फाइल में नहीं है नॉर्मल फाइल में है, तो यहाँ पर लास्ट में लिखा होगा TTF, तो देख रहे होंगे फेकॉन TTF, तो इसे क्लिक कर लेना, ऐसे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा, तो मोर में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी कर लूँगा मैं, तो ध्यान देना गाइज अगर आपका जिप फाइल में नहीं है तो TTF लिखा होगा उसी फाइल को जो है कॉपी कर लेना है और जो है पिक्सार्ट के अंदर चले जाना है। पिक्सार्ट फाइल में जाने के बाद यहाँ पर फॉन्ट में जाना है, फॉन्ट में जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो है ये हो गया और जो है आपका शो होना स्टार्ट हो अगर आपका जाएगा। पिक्सार्ट पहले से ओपन होगा तो इस टाइप से, अगर पहले से ओपन है तो इसे इसमें क्लिक करोगे और टेक्स्ट लिखोगे तो उसमें जो है नहीं आएगा क्योंकि पहले से ओपन था ये। सबसे पहले तो इस पिक्सार्ट एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लेंगे, तो क्लियर कर देना, फिर से रिस्टार्ट करना, फिर जाके देखना तो वो जो है ऐड किया हुआ फॉन्ट जो है आपके फाइल में आ जाएगा और जो है आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले पिक्सार्ट ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र ब्राउज़र बोलता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं हम इस ब्लैक वाले को, इसे थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि ये जो है ओपन हो जाए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि 100K के बिल्कुल नज़दीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर देना। तो ये जो है बहुत लेट लग रहा है ओपन होने को, पता नहीं क्यों।
गाइज अब जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट में जाता हूँ और जो है फिर से अपना नाम टाइप कर लेता हूँ, और जो है फेकॉन फॉन्ट आया है या नहीं है ये देख लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो है नाम लिख लिया मैं, ऐसे राइट के आइकन को जो है क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा दिखाने के लिए, और जो है नीचे में जाना एरो की क्लिक कर देना, एरो को क्लिक 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 कर देना। अब जो है माई फॉन्ट में जाना, माई फॉन्ट में फेकोन ये आ जाएगा, ये देख सकते हो आप। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अगले वीडियो पे मिलते हैं।